मुझे बताया कि इतना बड़ा अदारा, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन एक ऐसे से इस मुल्क में चल रही है, तो आपने कभी ग्रामीण के बच्चों के लिए किताबें क्यों नहीं लिखी, उनको क्यों नहीं दी? जी शहजाद, ये तो मैं एक समझे एक मेरा अरमान है कि किसी तरह अच्छी खूबसूरत रंग बिरंगी किताबें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ें, और इसके हमने सैकड़ों किताबें तैयार की हर मौजू पे, हर लेवल पे, लेकिन ये हमें भटकने नहीं देते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, और एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्स्ट बोर्ड जो इनके लिए किताबें जो तैयार करते हैं, कितनी दफ़ा मैंने वहाँ किताबें हमने अपनी जमा की हैं, सबमिट की हैं, लेकिन वहाँ उनसे NOC नहीं मिलता। तो आप लोग अच्छी किताबें क्यों नहीं लिखते जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, 550 साल पुराना ये अदारा है, तो अभी तक आप लोगों की किताबें लिखनी नहीं है कि वो टेक्स्ट बोर्ड वाले आपको बताते हैं कि आप सही किताबें नहीं लिखते, तो क्या मसला कहाँ पर अटका हुआ है? ये ब्लैक एंड व्हाइट है या ग्रे एरिया है, इसके अंदर क्या है क्या? जी हाँ, बहुत ग्रे एरियाज हैं, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बेतहाशा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो ब्लॉक करते हैं। किनके हैं? मेरे ख्याल में ये पूरे टेक्स्ट बोर्ड, उनका जो पूरा जो एक ग्रुप बना हुआ है, टेक्स्ट बोर्ड हैं, फिर उनके साथ सैकड़ों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्रिंटर्स हैं जो उनके लिए किताबें छापते हैं। जैसे मैंने ये सुना है, ये कहते हैं प्रिंटर